हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपके आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एआई के ऊपर। व्हाट इज एआई, एआई क्या है? तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि एआई क्या है। तो इस वीडियो को इन तक देखते रहना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि इसका हिंदी में देखा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। जैसे कि इंसान, जानवर और पंछी को, ये सबको बनाया है प्रकृतिक ने, मतलब कि अल्लाह, गॉड, भगवान, जो भी कह सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से इंसान ने भी कुछ बनाया। जैसे कि ये वीडियो शूट हो रहा है मोबाइल से, तो इसको भी इंसान ने बनाया है, और ये जो टेबल है इसको भी इंसान ने बनाया है। तो इसको हम कृत्रिम बोल सकते हैं, इसको हम कृत्रिम बोलते हैं, मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाया गया हो उसको कृत्रिम कहते हैं। तो उसी प्रकार से इंसानों के द्वारा दिमाग बनाया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों के अंदर में एक दिमाग दिया गया है और इसको बनाया प्रकृतिक ने, अल्लाह, गॉड, जो भी बोल सकते हो। तो उसी प्रकार से इंसान भी एक दिमाग बना रहा है, जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं। आप लोग ने तो हिंदी बॉलीवुड मूवी जरूर देखी होगी रोबोट। उसमें देखे होंगे कि रोबोट को कैसे बनाया जाता है। हम इसका एआई को उदाहरण रोबोट भी कह सकते हैं, रोबोट भी बोल सकते हैं एआई को। तो उसमें देख सकते हो कि एक रोबोट बनाया जाता है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह होता है, सोचता है, उसमें सोचने की शक्ति इंसान की तरह होता है। तो ठीक उसी प्रकार से रियल में इंसान भी वैसा ही रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि कुछ हद तक बन गया है, मतलब इंसानों की तरह सोचने वाला कुछ हद तक बन गया है। इसको हम मशीन लर्निंग भी बोल सकते हैं। देखो अब एआई कहां कहां पर यूज हो रहा है। आप लोग जानते होंगे गूगल असिस्टेंट, जो कि एंड्रॉइड फोन में होता है, एप्पल में होता है सीरी, और अलेक्सा भी आप लोग जानते हो, जो कि ये सब डेटा के ऊपर काम करता है। आप इनको से जो भी बोलोगे वो करेगा। जैसे आप बोलोगे कि लाइट का स्विच ऑफ करने के लिए, तो ये लाइट का स्विच ऑफ कर देगा। ये जो हो रहा है ये सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है। अगर आप लोग उसको कोई चीज करने को कहोगे तो वो इंसानों की तरह ही करेगा। और इस एआई का यूज हर जगह पर हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हो रहा है, जो कि स्कैन करके बताता है इसको कौन सी बीमारी है और किस तरीके की दवा चलेंगे। और इसका एक उदाहरण और है, जो कि टेस्ला कार, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग होती है, और भी कार है जिसमें सेल्फ ड्राइविंग होती है। ये सब जो होते हैं मैप के थ्रू होता है, मतलब कि मैप में एआई यूज किया जाता है, और टेस्ला कार उसी को यूज करके रोड का ट्रैफिक देखता है और वो सेल्फ ड्राइविंग करता है। और यहाँ तक बात हो गई तो आप बात कर दे कि एआई को किसने बनाया था। 1995 में एआई के बारे में जॉन मैकार्थी ने बात किया था सबसे पहले, और इसीलिए इसको फादर ऑफ एआई भी बोला जाता है। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो कि एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया दिमाग। जैसे हम लोग के अंदर में एक दिमाग है, उसी प्रकार से इंसान भी एक दिमाग बना रहा है जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में होगा। और ये दिमाग कुछ हद तक बन भी गया, जैसे कि अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट्स, एप्पल में सिरी और टेस्ला कार, और बहुत सारे मशीनों में यूज किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग सुनी होगी हाल ही में एक चैट जीपीटी का नाम, मतलब कि वो जो चैट जीपीटी है वो एक एआई है, उसमें डेटा डाला गया है और आप उससे जो भी सवाल पूछते हो वो उसका जवाब तुरंत दे देता है। मतलब उसमें एक दिमाग डाला गया है और आप उससे जो भी चीज़ें पूछते हो वो तुरंत बता देता है। और इस एआई का यूज हर जगह पर किया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी किया जा रहा है और बहुत सारे जगह पर किया जा रहा है, फैक्ट्री कंपनियों में भी किया जा रहा है। जहाँ पर इंसान काम करता था वहाँ पर एआई को लगाया जा रहा है, मतलब मशीनों को लगाया जा रहा है, और उसी काम को आसानी से किया जा रहा है। मतलब इस दिमाग में डेटा डाला जाता है, जो कि जितना आप डेटा डालोगे उतना ज़्यादा एडवांस बनता जाएगा ये एआई। तो अभी उतना एडवांस एआई नहीं आया है, और ये एआई बनाया जा रहा है एडवांस लेवल का, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एआई क्या है, व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो अगर आप लोग समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, एआई के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हो, और कुछ बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।